चर्चा में है क्या? कैसे चर्चा? पवन सिंह का लाल घाघरा। अब लाल घाघरा को मैं अच्छा कैसे कह दूं? लाल घाघरा को मैं अच्छा कैसे कह? घाघरा को मैं अच्छा कैसे कह? आखिर क्यों क्यों मनीष कश्यप लाल घाघरा सॉन्ग को अच्छा नहीं मानते हैं? क्या है इसके पीछे का रीजन? इस गाने जो गाने मतलब जितने दिन पहले अपलोड हुए थे, आज से करीब 10 दिन पहले अपलोड हुआ था, उसी दिन से ये ट्रेंडिंग नंबर 1 से आज तक यानी 10 दिन हो गए, 2 होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इतने लोगों के दिल में बैठ गया, लेकिन इस मनीष कश्यप को ये गाना अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या है इसके पीछे का रीजन? जहाँ से ये गाना निकला वहीं के पॉपुलर रिपोर्टर न्यूज वाले को ये गाना अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या है इसके पीछे में? क्या इसमें अश्लीलता है? अश्लीलता प्रयोग किया गया? नहीं, अश्लीलता तो भोजपुरी में यदि इतनी सी नहीं रहेगी तो भोजपुरी का नाम ही नहीं होगा। भोजपुरी का पहचान ही होता है अश्लीलता गाना। तो देखिए इसमें अश्लीलता का प्रयोग किया गया है ये बात अलग है, लेकिन मनीष कश्यप को पवन सिंह के साथ कई महीने पहले इसके बीच विवाद हुआ। विवाद इस चीज का था, पवन सिंह और खेसारी के बीच एक लड़ाई हुई थी कि मतलब ये पवन सिंह स्टेज में दारू पी के कुछ भी बोलता जा रहा था। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। दूसरा जन्म लेने पड़ेगा, जन्म में कौन टोंके ले बने क्या? जो पवन सिंह ने किया उसी पर रहे हो, जो पवन सिंह करेगा उसी पर रहोगे। आप लकीर खींचे कौन होते हैं? लकीर खींचने वाले भोजपुरी आपके लकीर से चलता है, एक अहंकार कहाँ से आया? वहीं मनीष कश्यप इसके विरोध में आ गए और पवन सिंह के साथ मतलब कुछ वीडियो बना के ऐसे ऐसे बात बोले जिसमें बताया जा रहा था कि पवन सिंह यादव को यानी कि सिंह यादव को आगे आने के लिए नहीं दे रहा है। पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि राजपूत में कोई दूसरा जो है ना सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। बहुत मार मार इसी समय से ये मनीष कश्यप पवन सिंह के विरुद्ध हो गए। पवन सिंह कुछ भी गाना बना दे, कितने भी अच्छा बना दे, मनीष कश्यप को पसंद आने वाला नहीं है।